हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, अधिक मास पूर्णिमा। जी हाँ दोस्तों, अधिक मास की पूर्णिमा में यदि दोस्त आप इस पेड़ के नीचे दोस्तों एक घी का दीपक लगाते हो और 11 बार परिक्रमा करते हो तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होंगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वो पेड़ कौन सा है। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, सावन मास के अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन अधिक पूर्णिमा का व्रत। इस दिन पूजा पाठ और स्नान दान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा का दिन जप तप और दान करने का विशेष महत्व होता है। इसके साधकों को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और सत्यनारायण व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन पर किए गए स्नान दान और पूजा पाठ करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामना अवश्य पूर्ति होती है। दोस्तों, इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इस दौरान सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। तो दोस्तों, इस दिन आप यदि एक वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक लगाते हैं और 11 बार परिक्रमा करते हैं तो दोस्तों आपके सभी रुके हुए काम अवश्य बनेंगे, महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, नौकरी व्यापार में आ रहे अड़चने अवश्य दूर होगी। तो दोस्तों, चले जानते हैं वो पेड़ यानी कि वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों, वो पेड़ है पीपल का पेड़। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को पवित्र वृक्ष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि की 7.5 ढैया से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही सभी देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है, इसलिए पीपल की पूजा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, पीपल के पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु जी, तन में केशव जी, शाखाओं में नारायण जी, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवता का निवास है। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु स्वरूप है। महात्मा इसे वृक्ष की सेवा करते हैं और यह वृक्ष मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाला है। दोस्तों, इसके साथ ही पीपल में पितरों और तीर्थों का निवास होता है। तो दोस्तों, ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाना चाहिए और एक मीठा पकवान यहाँ पर प्रसाद के तौर पर रखा जाना चाहिए। दोस्तों, एक घी का दीपक जलाते हो, मीठा पकवान चढ़ाते हो और 11 बार परिक्रमा करते हो तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, ये पूर्णिमा का दिन है। दोस्तों, इस दिन किए गए कोई भी पुण्य फल प्राप्ति मिलती है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद के साथ महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। दोस्तों, आपके रोके हुए काम अवश्य बनेंगे और महालक्ष्मी जी आपको प्रसन्न होगी। तो दोस्तों, देर किस बात की, पूर्णिमा के दिन पर ये उपाय अवश्य करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री विष्णु नमः, जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।